सेवेंथ yes, क्लास जैसे हमने फॉर्मेशन ऑफ मिरर देखा कॉनकेव मिरर का सेम फॉर्मेशन ऑफ मिरर अगर हम कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं तो ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो एनी फॉर एनी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज कॉन्वेक्स मिररर में आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजिशन कहीं भी हो ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो हमेशा वर्चुअल होगी इरेक्ट होगी और बहुत उससे छोटी बनेगी नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूजेज ऑफ कॉन्केव मिरर कॉन्केव मिरर आर यूज एज शेविंग मिरर्स बाय मेन एंड एज मेकअप मिरर्स बाय बायेन टू सी एन लार्ज इमेज ऑफ देयर फेस कॉन्केव मिरर जो है वो यूज होते हैं क्योंकि वो इमेज को बड़ा कर देते हैं इसलिए वो यूज होते हैं शेविंग के लिए उसे मेन्स यूज करते हैं और मेकअप के लिए वेमेन्स यूज करती हैं ताकि उनका फेस अच्छे से एनलार्ज होकर सामने दिखाई दे कॉनकेव मिरर आर यूज रिफ्लेक्टर इन टॉर्चेस हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल्स सच एज कार स्कूटर बसेस ट्रक्स टू गेट स्ट्रांग स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट कॉनकेव मिरर को रिफ्लेक्टर की तरह यूज किया जाता है जिससे कि जो हेडलाइट्स में जो व्हीकल्स की हेडलाइट्स में स्कूटर्स में कहीं पर भी जो हेडलाइट्स लगती हैं वो एक स्ट्रांग स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट शो करती हैं कॉनकेव मिरर आर यूज बाय डेंटिस्ट टू सी एन एन लार्ज इमेज ऑफ टीथ कॉनके मिररर डेंटिस्ट यूज करते हैं ताकि जो टीथ की एनलार्ज इमेज दिखाई दे और वो प्रॉपरली ट्रीटमेंट कर सके डॉक्टर यूज कॉन्के मिर टू प्रोड्यूस अ पैरल बीम ऑफ लाइट फॉर एग्जामिनिंग बॉडी पार्ट सच इज आईज नोज एंड थ्रोट डॉक्टर्स जो है कॉन्के मिररर का यूज करते हैं ताकि पेरल लाइट जो है वो बॉडी को एग्जामिन करने में छोटे छोटे जो पार्ट है जैसे आइज है इयर्स है नोज है थ्रोट है इसमें इजी लगते हैं इजी रहता है उनके लिए नेक्स्ट यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स मिरर आर यूज एज रियर व्यू वे मिरर फॉर और साइड व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स सच एज कार स्कूटर ट्रक बसेस टू सी द ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम बिहाइंड रियर व्यू मिरर कौन सा होता है या साइड व्यू मिरर कौन सा होता है जब आप किसी व्हीकल में बैठते हैं तो जो गाड़ी के बाहर की तरफ शीशा होता है उसको बोलते हैं साइड व्यू मिरर और जो गाड़ी के अंदर ड्राइवर के सामने ऊपर मिरर लगा हुआ होता है चाहे वो बसेस हो ट्रक्स हो स्कूटर्स हो तो वो कहलाते हैं रियर व्यू मिरर्स, ताकि पीछे से आते हुए जो ट्रैफिक है वो उनको देखने में आसानी हो और उसकी वो डिस्टेंस को आ, जो है ध्यान रख सके mm -hmm. बिग कॉन्वेक्स मिरर आर यूज एज विजिलेंस मिरर इन बिग शॉप एंड स्टोर्स और कॉन्वेक्स मिरर का विजिलेंस मिरर की तरह से बड़े बड़े शॉप से स्टोर में यूज किया जाता है जब आप कहीं जाते हो किसी शॉप में या किसी शोरूम में तो आपको सामने बड़ा सा मिरर लगा दिखाई देता है कि जिससे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी सी शॉप है तो उसको इनलार्ज करने का काम करता है विजिलेंस मिरर कॉन्वेक्स मिररर आर यूज स्टेयर केस मिररर ऑन द डबल डेकर बसेस कॉन्वेक्स मिररर को स्टेयर केस में लगाया जाता है डबल डेकर बसेस में ताकि जो ड्राइवर है वो ये देख सके कि कौन चढ़ रहा है उतर रहा है तो ऐसा ना हो कि वो चढ़ते उतरते समय बस चला दे और कुछ एक्सीडेंट हो जाए यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन है मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इन वर्ड इज कॉल्ड कॉन्केव मिरर। शेविंग मिरर आर कॉन्केव मिरर। नेक्स्ट है हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लेन मिरर कॉन्व मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर विदाउट टचिंग देम आप बिना छुए कैसे बता सकते हो कि वो मिरर प्लेन है कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है यू कैन डिस्टिंग बिटवीन दीज मिररर जस्ट बाय लुकिंग देम ब्रिंग सच मिरर वन बाय वन क्लोज टू योर फेस एंड ऑब्जर्व द इमेजेस फॉर्मड इन इट अगर आप उसको बड़े ध्यान से अपने फेस के सामने लेके आते हो तो वेन द इमेज इज इरेक्ट ऑफ द सेम साइज एंड डज नॉट चेंज इट साइज एंड नेचर और मूविंग मिरर क्लोजर टू अवे फ्रॉम द फेस द मिरर इज अ प्लेन मिरर जब आपकी इमेज उसमें बिल्कुल सेम एज दिखाई देती है ना बड़ी छोटी होती है ना उसकी मिरर मूविंग दिखाई देती है तो वो होता है प्लेन मिरर वेन द इमेज इज इरेक्ट मैग्नीफाइड एंड इट बिकम्स इन्वर्टेड ऑन मूविंग द मिरर अवे फ्रॉम द फेस द मिरर इज कॉन्केव मिरर जब इमेज इरेक्ट होती है और उसको दूर की तरफ करने पर फेस जो है वो मैग्निफाइड शो होता है तो वो कहलाता है कॉन्केव मिरर

बाउंड बाय टू कर्व्ड सरफेस और बाय वन कर्व्ड एंड वन प्लेन सरफेस। स्पेरिकल मिरर जो होते हैं वो लेंस के पीसेज होते हैं जिसमें ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है चाहे वो ग्रास हो या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक हो और वो दोनों तरफ से दो कर्फ सरफेस से मिलके बने होते हैं एक कर्व्ड होती है और एक प्लेन सर्फेस होती है वेन अ बीम लाइट पास थ्रू अ लेंस इट बेंड्स एंड चेंजेस इट्स डायरेक्शन जब बीम या लाइट जो है वो लेंस पे पास होती है तो वो वहां पर मुड़कर अपनी लाइट डायरेक्शन को चेंज कर लेती है दिस इज कॉल्ड रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट सो लेंसेज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट इसको कहते हैं रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट जब वो अपनी बीम लाइट को चेंज करती है डायरेक्शन को ये दो तरीके के होते हैं कॉन्वेक्स लेंसेज जिन्हें कहते हैं हम कन्वर्जिंग लेंस और एक होते हैं कॉन्केव लेंसेज जिन्हें हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स लेंसेज कौन सी हैं लेंस दैट इज थिकर इन मिडल एंड थिनर एट द एजेस ऑफ कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंसेज इट इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस जो कॉन्वेक्स लेंस है वो बीच में से मोटे और आसपास से पतले होते हैं जिनको हम कॉन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं जो कि साइड व्यू मिरर में लगे साइड व्यू के लिए लगाए जाते हैं दूसरा है लेंस दैट इज थि इन मिडल एंड दिकर एट द एजेस इज कॉल्ड कॉन्केव मो यूज डाइवर्जिंग लेंस और जो कॉन्केव लेंस है वो बीच में से पतले और जो साइड से एजेस से मोटे होते हैं और इनको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं नेक्स्ट टर्म रिलेटेड टू द स्कल लेंसेज इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे